हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए हैं और उसमें प्याज और हरा धनिया डाल के इनको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। इस तरीके से आलू के परांठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च और उसी के साथ थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है। अजवाइन का टेस्ट इन परांठों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और लास्ट में हम थोड़ी सी यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल देते हैं। और अब मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया है और परांठे को भी अच्छी तरीके से बेल लिया है। स्टफिंग चारों ओर अच्छी तरह से फैल गई है और इसको अब हम तवे पे डाल देते हैं और अलट पलट करके सेक लेते हैं। और अब हम इस परांठे को पलट कर इस पूरे परांठे पर थोड़ा थोड़ा मक्खन लगा देंगे। जी हाँ गाइज, इसे मैं बना रही हूँ मक्खन से, क्योंकि मक्खन से परांठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। इसी तरह परांठे को पलट देंगे और इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से मक्खन लगा देंगे, जिससे परांठा दोनों साइड अच्छी तरीके से सिक जाए। तो देखिए गाइज, परांठा हमारा सिक चुका है अच्छे तरीके से और थोड़ा थोड़ा ये फूलने भी लगा है और स्टफिंग इसमें चारों ओर अच्छे तरीके से फैल गई है। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।